सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड बायोलॉजी क्लासेस, और हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पहले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने शुरू किया था, उसी कॉन्टिन्यूशन में आगे हम बात करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने जो फिनिश किया था वो गॉबलर नेबुलम तक किया था, कनेक्टिव टिश्यू पैड अटैचिंग द टेस्टिस टू द बेस ऑफ स्ट्रैटम, दैट इज कॉल्ड एज अ गॉबलर नेबुलम। नाउ व्हाट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड? कनेक्टिव टिश्यू शीथ that encloses vast deferens muscles, nerves, blood vessels, lymphatics, etc. and it attaches testes to that of the abdomen. Now what is this? अगर हम ये देखें कि male reproductive system में यहाँ पे this is a scrotum और scrotum के अंदर testes, testes are attached to the gonad. यहाँ पे पड़ी है epididymis और this is the vas deferens. नाउ वास्ट डिफरेंस के साथ मसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, लिम्फेटिक्स भी हैं, ये सारी चीजें एक कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग के अंदर हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी तारें होती हैं, तो उन तारों को हमने एक टेप से रैप कर दी, सो दैट टेप लाइक स्ट्रक्चर जो सबको रैप कर रहा है इकट्ठा, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये कहाँ से गुजर रही है? ये गुजर रही है आपकी इनग्विनल कैनाल से। So the whole bunch of the blood vessel, vas deferens, lymphatics, ये सब एक covering के अंदर हैं। उस covering का नाम है spermatic cord, और जिस canal से निकल रहे हैं उस canal को हम inguinal canal कहते हैं। So इसी analogy को मैं इससे बताती हूँ, जैसे आपने कभी घर में देखा होगा जहाँ हमने तारें वगैरह लगाई होती हैं, या जब ना कभी AC की तारों को देखी तो बहुत सारी तारें, तारों को हम एक टेप के अंदर कर देते हैं, उसके बाद उसको एक पाइप से निकालते हैं। सो दैट पाइप बेसिकली आपने देखा होगा एक कमरे से पाइप दूसरे कमरे में जा रही है। इसी तरह से इनग्विनल कैनाल क्या कर रही है? स्क्रॉटम को एब्डोमेन के साथ कनेक्ट कर रही है, और स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस को एब्डोमिनल वॉल और एब्डोमेन के साथ कनेक्ट करती है। सो दिस वॉज आवर लेक्चर वन, और उसके अंदर अब हम बात करेंगे लेक्चर टू में। तो लेक्चर टू में अगर मैं यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हूँ आपके लिए, that is what are the various events of the human reproduction, so you can start thoda sa recap kar sakte hain hum uske andar. So iske andar agar hum chale to fertilization, gametogenesis, insemination, fertilization, implantation, gestation and parturition. Agar to aapke paas do line ka question hai to ek ek aage likh sakte hain, I mean 2 marks ka question hai to aap ek ek aage description de dijiye, otherwise simply events puche 1 mark mein to you can simply write the name of the events. Now temperature of scrotum is dash degree less, I think so 2 to 2.5 degree Celsius less. Kyun? Why the temperature of the scrotum is less than body temperature and what is significance? Reason is because of the purpose of the spermatogenesis, because it has the viability at that temperature. So when do the testes descend in the scrotal sac? It's the 7th month of fetal life. What is the role of inguinal canal and spermatic cord? Abhi discuss kiya hai. Inguinal canal scrotum ko abdomen ke saath jod rahi hai, और स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस को एब्डोमेन के साथ कनेक्ट करती है। सो फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इज कॉल्ड एज क्रिप्टोरकिडिज्म, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टोरकिडिज्म। व्हाट इज गॉबर्नेकुलम? कनेक्टिव टिश्यू पैड दैट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द टेस्टिस टू द बेस ऑफ स्क्रॉटम। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस दे लाइ इन स्क्रॉटल सैक। The size of testes is 4 to 5 to 2 to 3 and 1 to 1.5 or maybe 2 cm thick. Testes are covered by dense connective tissue covering called as tunica albuginea. It invaginates to form compartments called testicular lobules, or 1 testes ke andar 250 approximately testicular lobules hote hain. Each testicular lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. तो क्वेश्चन क्या हो गया कि भी कितने ट्यूब्यूल्स हैं? अब सी हियर, यहाँ पे दिस इज द टेस्टिस। टेस्टिस आर कवर्ड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो उनका एल्ब्यूजिनिया इस तरह से इन्वेजिनेट करती है, और इन कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। ये कंपार्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 250 के करीब होते हैं, उस इसके अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स पड़े हैं जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। एनसीआरटी एक ही कवरिंग की बात कर रही है, इसके अलावा टेस्टिस में बाहर
पतली सी कवरिंग और होती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वैजिनालिस, जो कि उसको स्क्रॉटल मसल्स के साथ अटैच करती है, और अंदर है ट्यूनिका वैस्कुलोजा, एज द नेम इंडिकेट, थिन लेयर एंड हाईली वैस्कुलर लेयर जो अंदर की उसकी कवरिंग दे रही है उसको। नाउ अगर हम टेस्टिस की इंटरनल डिटेल देखते हैं तो सेमीफ्रस ट्यूब्स, 1-3 सेमीफ्रस ट्यूब पर टेस्टिकुलर लोब्यूल, एंड देर आर 250-750 इन नंबर पर टेस्टिस। तो कवरिंग जो है अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं आपको करवाना चाहूँगी, तो उसके लिए एक बार हम और एक नया आपके लिए खोल लेते हैं, सो दैट आई कैन हैव द लिटिल एक्सप्लेनेशन विद योर डायग्राम। सो दिस इज द ट्यूनिका एल्बिजिनिया। नाउ दिस ट्यूनिका एल्बिजिनिया इनवाजिनेट्स लाइक दिस, इस तरह से, और ये बन रहे हैं कंपार्टमेंट्स। दीज कंपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्टिस। कितने कंपार्टमेंट्स बनेंगे? दीज आर कॉल्ड एज अ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एंड दीज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं ये अप्रोक्सीमेटली 250 इन नंबर है। अब इसके अंदर हमारे पास 1-3 एक से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स पड़े हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ एक ही बना रही हूँ, ऊपर मैंने 2 भी बनाए हैं। ये हैं जी सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। नाउ दीज सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स दे आर लाइंड बाय जर्म सेल्स एंड इलोंगेटेड सेल्स सर्टोली सेल्स। ये ट्यूब्यूल्स पीछे जाकर छोटी छोटी डक्ट्स में कॉन्टिन्यू होते हैं, इस तरह से दीज आर द कॉन्टिन्यूड लाइक दिस। दीज हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर्स देन दे फॉर्म अ स्मॉल स्ट्रेट ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एज द ट्यूबुलाई रेक्टी। एंड नाउ दीज ट्यूबुलाई रेक्टी दे फॉर्म अ नेटवर्क, पीछे एक नेटवर्क बन जाता है इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज रेटिटेस्टिस। और ऐसे हवा में नहीं है, ये सारा कनेक्टिव टिश्यू है इस तरह से। और फ्रॉम दीज रेटिटेस्टिस अराइज अगेन स्मॉल डक्ट्स, दीज आर कॉल्ड एज वासा एफरेंशिया। ये वासा एफरेंशिया है। एंड नाउ दीज वासा एफरेंशिया जॉइन विद ईच अदर एंड फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड डक्ट विच इज विजिबल आउटसाइड द टेस्टिस अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग। दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमस। एंड देन यही ऊपर को उठती है इस तरह से, नाउ इट इज कॉल्ड एज वास डेफरेंस। तो अगर हम बात करें इस तरह से, ये टेस्टिस की इंटरनल डिटेल है, और ये रहा स्क्रॉटम, समथिंग लाइक दिस। ये रही जी इंग्विनल कैनाल, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर ग्लोबुलम, और ये मसल्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गई, ये सारे एक कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग के अंदर हैं, जो इस इंग्विनल कैनाल से बाहर निकल रही है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये है जी आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड, दिस इज इंग्विनल कैनाल। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स जो हैं इस तरह से हैं। अब हम आगे थोड़ा सा डिटेल में और चलते हैं, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि वहां तो लिखा हुआ है, फिर डायरेक्टली वहां से हम रीड कर लेंगे। अगर मैं अब इसको थोड़ा बड़ा बना देती, मतलब मैं, ये था वर्टिकल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अगर टेस्टिस हमने बाहर से कैसे देख रहे थे, ये ऐसे टेस्टिस है, इसके ऊपर ऐसे एपिडिडिमस है, और ये हमारे पास फास्ट रेफरेंस पड़ी, तो हमने इस तरह से सेक्शन काटा, यानी कि वी हैव कट इट लाइक दिस, ये वर्टिकल सेक्शन है। नाउ इफ आई कट लाइक दिस, ये तो ये मेरा ट्रांसवर्स सेक्शन है।
तो ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर मैं देखूंगी तो आपको इस तरह से ही नजर आएगा, आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में लेट्स से आपका मान लो यहां से गुजर रहा है, अगर यहां से गुजर रहा है तो ये हिस्सा आपका नजर आएगा। तो यहां पे दिस इज योर कवरिंग, ये आपका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और इसके अंदर एक से तीन आपको नजर आ रहे हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। अब ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो हैं, वो इस तरह से लाइंड अप हैं, छोटे सेल्स बड़े सेल्स मतलब लंबे सेल्स, और इस तरह से ये वाले सेल्स हैं ना। और आपको आसपास क्या नजर आ रहा है, आसपास यू आर ये सारा हिस्सा यानी कि दिस पार्ट जो ग्रेश पार्ट आपको मैं दिखा रही हूं। सो दिस पार्ट इज द स्ट्रोमा यानी एक्स्ट्रा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, एक्सटर्नल टू सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ये पार्ट हमें नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा। तो ये हमारा स्ट्रोमा, और इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस भी कह देते हैं। ओके, अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, अब अगर मैं यहां पे देखूं तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स अगर मैंने वर्ड लिखा है, इनसाइड एंड आउटसाइड सेल्स दैट आर फाउंड इनसाइड और आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, इनसाइड सेल्स एंड वी हैव द आउटसाइड सेल्स। अब इनसाइड सेल्स कौन से हैं, इनसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, वन इज द जर्म सेल्स एंड अदर आर द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को हम सस्टेंटिकुलर सेल्स और सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल्स। इनका काम क्या है, दे हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्म डेवलपमेंट और डिफरेंट स्टेजेस इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, ऑफ द स्पर्म डेवलपमेंट। जर्म सेल्स क्या है, दे गिव राइज टू गैमेट्स, गिव राइज टू गैमेट्स, यानी कि स्पर्म्स जो बनने हैं वो इनसे बनने हैं, गैमेट्स यानी कि मैं बात कर रही हूँ स्पर्म की, फाइनली इन्होंने स्पर्म बनाना है। सो दीज जर्म सेल्स दे गिव राइज टू, they undergo the spermatogenesis and help in the formation of sperm. Now outside cells, outside cells आपको कहाँ मिलेंगे, कुछ clusters में cell मिलेंगे और हो सकता है single भी मिल जाए। They are scattered, they are around seminiferous tubules also, ये हर जगह आपको इस तरह से मिल जाएंगे, and these are Leydig cells, और इनको हम कहते हैं interstitial cells. Now these Leydig cells are the source or secrete of androgens. तो ये male hormones को क्या करते हैं, secrete करते हैं। अब देखिए यहां पे question आता है कि androgen और testosterone दोनों ठीक है, but testosterone is one of the androgen, क्योंकि एंड्रोजन्स में डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसकी। सो अगर मेरे को चॉइस हो कि मैंने क्या बोलना है, वो है दोनों ठीक है, पर मोर प्रिसाइजली मुझे क्या बोलना है, तो मैं एंड्रोजन को चॉइस दूंगी। सो दे आर द सोर्स ऑफ द एंड्रोजन, एंड वन ऑफ द मेजर एंड्रोजन इज द टेस्टोस्टेरोन। ओके, दीज Leydig सेल्स अगर हम एंडोक्राइनोलॉजी के हिसाब से देखें तो दीज Leydig सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन कॉल्ड एज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ICSH, interstitial cell stimulating hormone. ये हार्मोन कहां से आ रहा है, ये हार्मोन पिट्यूटरी से आता है और ये इनको स्टिमुलेट करता है। नाउ दे आर द सोर्स ऑफ एंड्रोजन, एंड टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या है, सबसे पहला रोल कि इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि टेस्टिस को कर रहा है मेंटेन, प्लस
मेल के जितने भी सेकेंडरी डक्ट्स और एक्सेसरी डक्ट्स हैं उनको मेंटेन कर रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग को मेंटेन कर रहे हैं। तीसरा, इस स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, मेल का विगर, मेल की वाइटेलिटी, मेल का मस्कुलर मास, मेल के मेटाबॉलिज्म, बिकॉज इट्स अ एनाबॉलिक हार्मोन। ये सारा काम कौन कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन करता है। लिबिडो, मेल का सेक्सुअल ड्राइव इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द टेस्टोस्टेरोन। तो स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, देन कॉमन अलग अलग लिखने की जगह कर सकती हूँ, हेल्प इन रोल इन मेंटेनिंग, रोल इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड करेक्टर्स ऑल्सो। करेक्टर्स क्या है? मेल की मॉस्टेशियस, मेल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, मेल का सारा जो मसल मास है वो, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म। टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस में भी रोल प्ले करता है, हैव रोल इन मेल लिबिडो, मेल की लिबिडो यानी कि सेक्सुअल ड्राइव को कंट्रोल करता है, क्योंकि इट वर्क्स ऑन किसके ऊपर? हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ख्याल रखने हैं। सर्टोली सेल्स क्या काम करते हैं? सर्टोली सेल्स मैंने लिखा कि वो नरिशमेंट करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस की। दूसरा, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? दे सीक्रीट हार्मोन इनहिबिन, ये हार्मोन इनहिबिन को सीक्रीट करते हैं, और इनहिबिन का काम है FSH को इनहिबिट करना। सो इनहिबिन का काम है, इट इनहिबिट्स गोनेडोट्रोपिन्स, गोनेड्रोपिन्स को इनहिबिट करता है। तीसरा, दे सीक्रीट ABP, व्हाट इज दिस? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और इसका काम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेल हॉर्मोन यानी कि मेल एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन। ये क्या काम कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन करता है। सो सर्टोली सेल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन देयर ल्यूमन करते हैं, और ये डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, और फिर वही टेस्टोस्टेरोन सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप ये ख्याल रखिए करते हो। इसके अलावा आपको एक और तरह के सेल्स दिखेंगे जो अप्रोक्सीमेटली इस तरह से होते हैं, सिंगल सिंगल जेंडी होते हैं, और दे आर नॉर्मली अराउंड, ये आपको अराउंड ही दिखेंगे ज्यादातर। ये है हमारे पास इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। एनसीईआरटी इनके रोल के बारे में ज्यादा बात नहीं करती, बट इनका रोल बस एज द नेम इंडिकेट इम्यूनिटी में है। ये इम्यूनिटी में बेसिकली क्या है? ये अ काइंड ऑफ मैक्रोफेजेस जैसे सेल्स हैं, यानी कि फेगोसिटिक सेल्स हैं। तो जो हमारे जैसे सेल्स होते हैं, तो इनका काम इम्यून सिस्टम में तो है ही है, प्लस ये स्पर्म का प्रोटेक्शन भी करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी इनका रोल आता है, कि स्पर्म प्रोटेक्शन के अंदर भी इनका रोल होता है। सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर इन साइड द टेस्टिस, हमने भी एक पार्ट किया है। सो लेट मी जस्ट यू नो गेटिंग बैक टू द एनसीईआरटी, उसके बाद की डिटेल हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, तो फाइन। हाँ जी, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि एनसीईआरटी बड़े अच्छे से बोल रही है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। सो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इट इज प्रेजेंट within a pouch called scrotum. Scrotum help in maintaining low temperature, 2 to 2.5 degree lower than the body temperature. किसके लिए जरूरी है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। ये हमारे पहले लेक्चर में भी आया और आज के रिकैप में भी आया। टेस्टिस का साइज जो है 4 to 5 सेंटीमीटर into 2 to 3 सेंटीमीटर है। टेस्टिस आर कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। उस डेंस कवरिंग का नाम एनसीईआरटी यहाँ पे नहीं दे रही, बट वो डेंस कवरिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। Each testis has 250 compartment approximately, that is called testicular lobules. Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. तो इसका मतलब आपके पास approximately 250 से लेकर 750, 750 आपके पास seminiferous tubules है per testicular lobule.
ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इनसाइड, जो आज हमने बात करी. टू टाइप ऑफ सेल, मेल जर्म सेल्स एंड दैट इज स्पर्मेटोगोनिया एंड दैट इज द सर्टोली सेल्स, क्योंकि इन्हीं मेल जर्म सेल्स ने आगे स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म बनाना है. द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिविजन्स फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन. देखो वही बात एनसीईआरटी बोल रही है. व्हाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट और न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स. इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर ये वर्ड लिखा है कि एबीपी सीक्रेट करते हैं, जो आगे जाकर लिखा हुआ है. द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टीशियल स्पेसेस, यानी हम बात कर रहे हैं इसकी, ये सारा आपका इंटरस्टीशियल स्पेस है जो मैंने ग्रे से कवर किया. कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टीशियल सेल्स और लेडिक सेल्स. लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स. सिंथेसाइज मैंने लिखा सोर्स, सिंथेसाइज किसके अंडर, अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच, फिर सीक्रीट कर रहे हैं. अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. तो टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन्स और इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स. सो ये था जी आज का हमारा छोटा सा लेक्चर जो इसकी इंटरनल डिटेल में है. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सेसरी डक्ट सिस्टम ऑफ द मेल. थैंक यू, स्टे ट्यून्ड. अब कुछ नहीं समझ आती तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं एंड आई लव टू आंसर योर क्वेश्चंस. थैंक यू.